नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। प्राइम टीवी की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ अनिल तिवारी, यानी प्रभु जी के नाम से लोग जानते हैं, जो हमारे साथ बहुत सारी बातें आज साझा करेंगे कि जिस तरीके से पहले थाली और ताली बजाने की बात हो रही थी, उसके बाद दिया जलाने की आज बात हो रही है। प्रभु जी, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वायरस विषाणु जो आज फैला हुआ है महामारी, सबसे पहली चीज़ तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री योगी जी को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने समय से लॉकडाउन या पाबंदी लगा के एक तरह से बहुत बड़ी सुरक्षा मुहैया कर ली। और जो प्रश्न आपने किया है उसमें कहा गया सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे भवंतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिन् दुःखं भागं भवेत्। इसका अर्थ ये है सभी के सुख पूर्ण हो, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे भवंतु निरामयः, सबको सुंदर स्वास्थ्य मिले, परस्पर सब एक दूसरे के सुख का विचार करें, दुख किसी को न मिले। हमारे भारत भूमि में सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा हर व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है, इसीलिए भारत में भारत की इंसानियत पूरे विश्व में जानी जाती है, जिसको हम लोग अपने भाषा में मानवता की दृष्टि से देखते हैं। 5 अंक जो होता है वो बुध का कारक होता है, ग्रह नक्षत्रों में 5 अंक बुध का कारक होता है और 9 अंक मंगल का कारक होता है, और मंगल का रंग जो है लाल होता है जी। ठीक, अब मंगल का रंग लाल होता है और लाल रंग से उत्साह बढ़ता है। अभी हम आपको बता रहे हैं दिए और प्रकाश का महत्व क्या है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले शंख ताली बजाने की अपील की, तो ध्वनि और थाली बजाने की, तो ध्वनि का अपना एक महत्व है। जैसे शंख में जिस पत्थर से शंख निर्माण होता है, समुद्र में स्वतः या बनाया जाता है, उसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। शंख ध्वनि का मतलब ये हुआ कि उस नंबर एक चीज़ तो जब उस शंख में आप हवा का प्रवाह करेंगे तो आपके फेफड़े बहुत मजबूत होंगे, श्वास की बीमारी जल्दी नहीं होगी, और जो मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस की मिश्रित वायु ध्वनि के साथ तरंगे निकलेंगे, वो जहाँ तक ध्वनि का प्रवाह जाएगा वहाँ पे, जहाँ तक ध्वनि जाएगी वहाँ तक वो विषाणु नष्ट हो जाएंगे, ये हमारे शास्त्रों में। जहाँ बात ताली की आती है तो आपने शायद गाजी साहब सुना होगा कि हमारे यहाँ पद्धति है सनातन धर्म में ताली बजाने की, पूजा पद्धति में, आरती में ताली बजाने का एक वैज्ञानिक रीजन उसका भी है। जैसे एक्यूप्रेशर है, जिसको एक्यूप्रेशर चिकित्सा लोग कहते हैं, तो जब हम हाथों से ताली बजाते हैं तो ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट सारे अपने आप स्वतः बिल्कुल प्रेशर में आते हैं। अब जब ताली बजती है तो इम्यूनिटी पावर बहुत अधिक बढ़ जाती है जी। इसी तरह शंख से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, विषाणु नष्ट होते हैं उसकी ध्वनि से, उसी तरह ताली बजाने से इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ती है और एक उत्साह बढ़ता है। उत्साह जब बढ़ता है तो आत्मबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है तो निश्चित है कि इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ेगी। 5 का अंक बुध का कारक होता है, अभी हमने बताया, और 9 अंक जो होता है मंगल का कारक होता है। हमारे इस प्रकृति में चिकित्सा सबसे पहले शुरू हुई तो सूर्य चिकित्सा शुरू हुई जी, जिसको एक तरह से रंगों की चिकित्सा कहा जाता था। रंगों से स्वास्थ्य को चिकित्सीय रूप से बैलेंस किया जाता था। अब जैसे 7 रंग होते हैं, सूर्य की किरणों में मुख्यतः ये माना जाता है कि 7 रंग होते हैं। अब आप चिराग जला के देखिए, दिया जला के देखिए, तो दिया जब जलाएंगे तो लाल, नारंगी और पीली, ये इसकी मिश्रित एक लौ आपको दिखाई देगी। तो ये जो लौ होती है, ये लाल रंग जो होता है, नारंगी, पीला और लाल, ये मिश्रित होता है। ठीक, इसीलिए हमारे यहाँ संतों में गेरुआ रंग जो है ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये पीला, सिंदूरी और नारंगी, ये 3 रंगों का मिश्रित कलर होता है।
अब इन लाल रंग का महत्व ये है कि नारंगी रंग का कि ये आपके अंदर अत्यधिक उत्साह बढ़ा देते हैं, ठीक। और जो उत्साह बढ़ाएंगे और इनसे जो तरंगे निकलेंगी, क्योंकि ये मंगल का कारक है, इनसे जो तरंगे निकलेंगी, जो प्रकाश निकलेगा, ठीक, और इनके जो इनका जो प्रकाश प्रवाहित होगा तो उसमें जो निगेटिव एनर्जी होगी वायुमंडल में, वातावरण में, वो चाहे विषाणु हो या जीवाणु हो, वो स्वतः एक तरह से मृत समान हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और जलाने के बाद जब आप उसके समीप खड़े होंगे तो आपको एक ऊर्जा मिलेगी। जैसे हम लोगों के यहाँ एक दीपावली का पर्व मनाया जाता है, दीपावली में शाम को घर पे दिए जलाए जाते हैं। दिए जलाने के बाद देखिए, जब सुबह आदमी सो के उठता है तो उसके अंदर एक अत्यधिक उत्साह होता है। या दिया जलाने के बाद तुरंत देखिए 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, तो घर के हर व्यक्ति के अंदर एक अत्यधिक उत्साह होता है। तो ये नंबर एक, तो ये उत्साहवर्धक है। और इसकी पर चूँकि ये मंगल का कारक है तो लाल और पीली इसकी जो मिश्रित रंग, सात रंगों का जो मिश्रित रंग होता है उसमें मुख्यतः आपको ये दिखाई देगा, पीला, नारंगी और ये सिंदूरी, ये तीन लव के साथ ये तीन रंग अत्यधिक दिखाई देते हैं जी। और सब रंगों के मिश्रित प्रकाश से एक श्वेत प्रकाश बनता है। अब इन रंगों से जो तरंगे निकलेंगी उससे स्वतः विषाण नष्ट हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे शंख हुआ तो आपको बताया हमने, उसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस होता है। ताली बताया आपको, एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इम्यूनिटी पावर को अत्यधिक बढ़ाता है। प्रकाश के बारे में आपको बताया, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा और इसकी तरंगे स्वतः विषाणुओं को नष्ट कर देंगी। इससे आत्मबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, और जो आत्मबल उत्साह बढ़ेगा तो प्रतिरोधी क्षमता व्यक्ति की, इम्यूनिटी पावर अपने आप बढ़ेगी। तो ये इसके मुख्य कारक यही है। और अगर आज जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अगर ये आज लोग स्वेच्छा से जलाते हैं और सबको, हर व्यक्ति को जलाना चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसीलिए मोदी जी ने मोदी जी हमेशा कहते हैं 130 करोड़ आबादी, 130 करोड़ आबादी में ये तो है नहीं कि इसमें ईसाई नहीं है, सिख नहीं है, या मुस्लिम इस्लाम नहीं है। इसमें उन्होंने 130 करोड़ आबादी की बात की। अब 130 करोड़ आबादी में जब सारे लोग एक प्रकाश पर्व की तरह इसको मनाएंगे, इसकी जो तरंगे निकलेंगी, दो तरंगे वायुमंडल में प्रवाहित होंगी, उससे विषाणु नष्ट होंगे, जीवाणु नष्ट होंगे, उसके समीप खड़े हुए व्यक्ति को अत्यधिक उत्साह, आत्मबल बढ़ेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे आज 20 दिन में आप देख लीजिए पूरे विश्व में हाहाकार मचा है, लेकिन इतने प्रतिबंध जो लगाए गए इसकी वजह से देखिए हमारे देश में मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है उनकी संख्या अत्यधिक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग पालन कर रहे हैं। और जो लोग उसका पालन नहीं करके उसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं वो एक तरह से महामारी को आमंत्रित कर रहे हैं। तो इसलिए सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी अपील कर रहे हैं, हम किसी भी धर्म संप्रदाय के लिए व्यक्तिगत तो कर नहीं रहे हैं, वो तो पूरे देश, पूरे राज्य के लिए कर रहे हैं, सबकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी निर्देश जारी हो रहे हैं उनको किया जाए। आपने पूछा, हमने वैज्ञानिक रीजन बताए, आध्यात्मिक रीजन बताए, तो इसलिए सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, ठीक। और जो लोग इसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के हों, बीमारी जब फैलती है, एक व्यक्ति को घर में फैल जाती है तो उसके सारे घर के लोग बीमार हो जाते हैं। तो किसी धर्म, जाति या संप्रदाय का हो, हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि ये महामारी है, ठीक, इसमें किसी तरह का अवरोध ना पैदा हो, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, ठीक, लॉकडाउन का पालन होता रहे, जिससे इस पर विराम लगाया जा सके। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनिल तिवारी, जिन्हें लोग प्रभु जी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने बहुत बहुत ही कीमती चीज़ें बताई कि उनकी भी दिनचर्या कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी है। जैसे उन्होंने बताया कि किस तरीके से अपनी हिफाजत करना है, आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। ऐसे में प्राइम टीवी आपसे अपील करता है कि आप अपने घरों में रहें, हम सटीक और सही खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे।